हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। तो आज हमारा बेंगलुरु के बाद फिर से ट्रैवल शुरू हो गया है। और हम कहाँ जा रहे हैं? बेंगलुरु से अभी मैं हम आ गए हैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर। तो मेट्रो स्टेशन से हम जाएंगे बेंगलुरु बस स्टेशन। तो हमारे बेटा और बहू ये यात्रा हमें करा रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे तो अकेले। ये देखिए आ गया हमारा बेटा हमें सी ऑफ करने के लिए। वीडियो ऑन कर दिया, वीडियो पॉज तो नहीं है? वीडियो है, इसको मैं फोटो फिर बना लूंगी ना। हाथी आ रहा है, आएगा इधर क्या है? 0.5 दो लीटर पानी लेके जाओ। आपको टिकट आया होगा ना उसमें? हाँ, वही टिकट देख के तो मैंने टाइम देखा, तो टिकट आया? वो जो तूने मेल भेजी है ना, ना मैंने हिमानी को दिखाया था। आपका नंबर पे जाओ, हालांकि हम काफी जगह अकेले घूमते हैं, लेकिन जब बच्चों के पास होते हैं तो उन्हें चिंता लगती है। ना ही सकते हैं है ना, उल्टा हाथ। आप उससे क्यों नहीं बना रहे? उल्टे उल्टे वाले से, उसी से जो बनाओ जिससे आपको दिखे। उल्टा कैमरा भी तो ठीक है, इससे पूरा पूरा आता है कि नहीं? वो तो अच्छा, 0.5 नहीं हो पाता होगा उसमें ना। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे इस सूटकेस में जोधपुर के होटल का टैग ही लगा हुआ है उस होटल के नाम के साथ, तो हमने वो याद मेमोरी के लिए रखा है। तो अभी एक ही आइडेंटिटी हो जाएगी। और आप देख रहे हैं यहाँ की बसें हवाई जहाज। अच्छा, कोई कहेगा रोड ट्रांसपोर्ट वालों की बसें तो मस्त है ना, मन खुश हो गया। उनकी स्टेट नहीं, सूर्य मंदिर नहीं है, कर्नाटका का कोई मंदिर होगा। मस्त बस है, मस्त। तो दोस्तों, जैसा आप अंधेरे से समझ गए, हम लोग बस में बैठ गए हैं। ये है डबल बेड वाली बस, इसमें ऊपर नीचे दोनों हैं। डबल डेकर नहीं है, लेकिन डबल अंधेरा हो रहा है, लाइट बंद कर दिए होगा, लाइट का है कहीं बटन। ये तो उधर तुम्हारे पास होगा, क्योंकि बस से अगर गाड़ी चला अंदर लाइट रहेगी तो चलाने में बस असुविधा होती है, इसलिए लाइट ऑफ है अंदर। बैठ चुके हैं बस में, स्लीपर बस है दोस्तों हमारे। नॉर्थ की तरह, नॉर्थ में हमारी सिंगल सीटर होती हैं स्लीपर बस, और यहाँ है डबल सीटर, माने एक साइड को आपका डबल बेड है और एक साइड को सिंगल बेड है। तो अभी यहाँ लाइटें बंद करिए क्योंकि अंधेरा है, और अंदर की लाइटें बंद हैं इसीलिए बस चल पाएगी। और हमारी नॉर्थ की तरह नहीं, यहाँ बहुत मतलब अच्छी बसेज हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कि आप लग्जरी में बैठे हो। तो आप लीजिए बाहर के व्यू का आनंद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो ज़रूर से, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर पुराने ऑडियंस हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों के हाथ में ही है कि वीडियो वायरल होगी, कब तक होगी, क्या होगी पता नहीं, लेकिन आप लोग चाहें तो वीडियो वायरल हो सकती है। तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में, पूरे व्लॉग में। जितना हो सकेगा मैं दिखाऊंगी, क्योंकि रात का टाइम है ज़्यादा इसमें, रात को तो अंधेरा हो गया है। अब एक जगह पर बस रुक गई है हमारी, ये क्या है पता नहीं। अगर आप जानते हैं तो इसका नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अभी हम पहुँचे हैं, एक घंटे की जर्नी हो गई हमारी, 1.25 घंटे की देहरादून से। तो अभी हम पहुँचे हैं एक रेस्टोरेंट में। हाँ हाँ, वो है तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, देहरादून की आदत से मैंने कहा है कि देहरादून, लेकिन हम चले हैं बेंगलुरु से। और अभी ये मिड रास्ते में अभी रुकी है यहाँ खाना वगैरह खाने के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये लोग आपको टाइम मतलब जगह जगह आपको रोक भी देते हैं। आपको वॉशरूम जाना है तो यात्री लोग यहाँ पर, जिसे वॉशरूम जाना है वॉशरूम जा रहे हैं, जिनको खाना खाना है खाना खा रहे हैं। देखिए, आपको देखने से लग रहा होगा बहुत सुंदर, साफ़ सुथरी सी। उसके बाद हम करेंगे आगे की यात्रा श्री सैलम मल्लिकार्जुनम।
12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, तो हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं जाने के, तो उसके दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए, क्योंकि रात की बस थी, नींद आ गई है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि ये श्रीशैलम के पहाड़ शुरू हो गए, और मैं इस साइड आ गई हूँ क्योंकि यहाँ से पहाड़ों के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं इसी विषय में, और हम पहुँच गए श्रीशैलम के पहाड़ों में। अब यहाँ से हमें अब ये थोड़ा थोड़ा चढ़ाई, मतलब चढ़ाई की तरह है, बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं है, मतलब फिर भी पहाड़ हैं इधर। और उसी पहाड़ पर, श्रीशैलम के पहाड़ पर ही है ज्योतिर्लिंग। नए दिन से फिर शुरू कर रही हूँ वीडियो। सुबह के बज गए हैं 6:30, गाड़ी रुकी थी 6 बजे। अभी फ्रेश होने के लिए एक जगह, मतलब यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, रात में आपको जगह जगह ये लोग, मतलब आपके किसी को टॉयलेट वगैरह जाना है, फ्रेश होना है, उसके हिसाब से गाड़ी रोकते हैं। और ड्राइवर कंडक्टर यहाँ बहुत, मतलब पोलाइट रूप से बात करते हैं अच्छे से। तो अभी सुबह 6 बजे भी गाड़ी रुकी, जिन्होंने फ्रेश होना है, हाथ मुँह धोना है, ब्रश करना है, उतनी देर का टाइम दिया, जिन्होंने चाय पीनी थी चाय पी। अब बस फिर से निकल चुकी है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के लिए, हर हर महादेव। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस बार श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, जो साउथ का कैलाश है। जो आप हमारी इस साइड देख रहे हैं ना, ये जंगल है, ये वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पर जो है रात को आपको बसें नहीं चलती हैं, जो सुबह के समय ही चलती हैं। जो भी है नाइट बसें आती हैं, तो यहाँ पर उनको सुबह होती है, और तभी सुबह ये बसें यहाँ से बढ़ती हैं श्रीशैलम की तरफ। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं श्रीशैलम, हर हर महादेव। तो हमारी थी ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग हमने करी थी, तो ऑनलाइन बुकिंग किए हुए का आपको यहाँ पर एक ऑफिस है, यहाँ आके आपको ये पर्ची लेनी पड़ती है, और आपको यहाँ एक सिक्योरिटी अमाउंट बुक करना होता है जितने का आपका रूम है, जो कि आपको जाते समय रिफंड हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ, वो तैयार होंगे। और ये देखिए इसे बाहर का लुक, यहाँ पर जो जहाँ हम ठहरे हुए हैं कि उसके बाहर का एरिया है, बहुत सुंदर है, और रूम भी बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग। अब हम आपको जैसा पता ही है कि ज्योतिर्लिंग का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हम पहुंच गए हैं ज्योतिर्लिंग पर, और अभी हम गेस्ट हाउस से अब तैयार होकर हम निकल रहे हैं, किस प्रकार से हम दर्शन करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के दर्शन हैं। अभी हम लोग लेट पहुंचे हैं, तो नहा धो के हम लोग निकले हैं, तो अभी हम पता करते हैं, दर्शन अभी हो गए हमारे, तो बढ़िया, देखते हैं किस तरीके से आपके साथ सब शेयर करेंगे। बने रहिए, जो नए हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हर हर महादेव के जयकारे के साथ, ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। दर्शन की वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।